Thank you.
आला आनंद झाला बाळ येशू जन्मला, स्वर्ग सोडून धरती तो आला हर्षाने गा उचला। क्या हो गया, आप उधर कोने में क्यों बैठे हो?
शांत हो जाओ बेटा। डेविड क्या हो गया, क्यों इतने दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ क्या? चलो 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 जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रेयर सर्विस में जाना है ना। देखो तुम्हारे पापा और मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेटा आज का दिन तो खुशी और आनंद मनाने का है, फिर तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, जल्दी से अंदर जाओ और देखो वहां तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस और एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा है। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, नहीं चाहिए मुझे नए कपड़े, नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, नहीं जाना मुझे चर्च, नहीं करनी प्रेयर। अरे अरे डेविड डेविड सुनो सुनो बहुत सुनो भाग जाओ। नींद से जागो, समय आ गया है कि तुम प्रभु और उनके वचन के बारे में जानो। आप लोग कौन हैं? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, और मैं आशा का फरिश्ता। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हाँ तो वे आशा प्रेम और शांति का संदेश देने आए हैं। क्षमा करेगा पर अभी शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं, कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति और आशा, यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? ये दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है और पूरे विश्व को प्रेम शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया था। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें देवी बेटे? हर तरफ मार काट, चोरी डकैती और बेईमानी है, एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, इतना दुख दर्द परेशानी और अशांति आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है, क्या ये दिन देखने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने? क्या 2000 साल पहले भी दुनिया ऐसी ही थी? प्यारे देवी तुम्हारे हृदय का दुख दूर करने के लिए ही आज हम आए। पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था, प्रभु यीशु ने जन्म लेकर तब वो स्वार्थ ईर्ष्या और प्राइज के ऊपर उठने का संदेश दिया। मुझे इस बारे में और बताइए। जरूर देवी, आज हम तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ अब हम चलें। महान पूरे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाए।
स्वरूप ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की दृष्टि में उचित है, इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ दाऊद की संतान है, अपनी पत्नी को अपने यहां लाने में नहीं करे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ।
हे ईश्वर, इस ठंड के मौसम में राजा का एक कठोर फरमान, हम गरीबों का क्या होगा। खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मसीहा ने जन्म ले लिया, मैं उन्हीं के
के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी क्या मसीहा ने जन्म ले लिया? परम परमेश्वर के पुत्र ने बेथलहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं देख लो। तो एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों के मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों के ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा है। चलो चलो, हम अपने मसीहा का दर्शन करने चलें। हाँ हाँ, चलो चलो, हमारे मसीहा हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं, अब उनके दर्शन करने चलो। चलो हाँ, चलो 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 चलो। Oh,
ईश्वर का हम मनुष्य को करते हैं। मनुष्य हमें भूल सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें।
नए कपड़े पहनकर अच्छा लगा ना? जी मम्मी, आज न सिर्फ मेरे कपड़े नए हैं, बल्कि मन में भी मेरी जान है और नया विश्वास है। लाख बुराइयां हमें घेर ले, फिर भी हमें सत्य और प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यही संदेश है ना प्रभु यीशु का? यस माय सन, पर तुमने ये सब कहाँ से किया? और उनके संदेश पर पूरा भरोसा है। चलिए।
Sisters, Shiti, sisters,